इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइसेस में कल भी हमने एक उछाल देखा और अभी भी ब्रेंट क्रूड $41 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में लाइमलाइट में रहेंगे एनर्जी स्टॉक्स, पूरा ही ऑयल एंड गैस सेक्टर। और कल हमने केन इंडिया, गेल, ओएनजीसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इन सभी में काफी अच्छा बाइंग मोमेंटम इमर्ज होते हुए देखा था। 3-5% तक गेन्स इन सभी स्टॉक्स में दिखे थे। लेकिन सिमी, जिन स्टॉक्स का मैंने नाम लिया, यहाँ पर कहीं फ्रेश स्ट्रेटेजी बनाने का स्कोप आप देखती हैं आज के सेशन के लिए? देखिए, केन इंडिया मुझे लगता है कि इसमें स्ट्रेंथ है और कोई डीप में मिलता है तो मुझे लगता है कि खरीदारी करने का सलाह देना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक एक नेक्स्ट रेंज में जा रहा है। 150 का सपोर्ट है, 150 के ऊपर अगर मेंटेन करता है तो 160-162 तक भी जा सकता है। पर नीचे जो रेंज मैंने बताया 150 का, जो सपोर्ट मैंने देखा, जो सपोर्ट मैं बता रही हूँ, वो सपोर्ट होल्ड करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि वो सपोर्ट अगर टूट गया तो एक गैप कल केन ने छोड़ा था, वो गैप फिलअप करने के लिए नीचे भी जा सकता है। रहा सवाल HPCL BPCL की, तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा रैली कल दोनों स्टॉक में देखा गया था वो एक्सपेक्टेड नहीं था, आज भी नीचे से मेंटेन्ड हो सकता है। इनफैक्ट अगर बहुत ज़्यादा ओपनिंग के साथ खुल जाएगा तो मुश्किल होगा नया ट्रेड लेने के लिए। पर दोनों में ही आउटलुक मेरा अच्छा ही है, मुझे लगता है कि अगर नीचे खुलता तो वापस बाइंग देखने को मिल सकता था। ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ है और स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग अभी भी जारी है, पर जो भी स्टॉक लेके काम करना है एक मेंटेन करना पड़ेगा स्टॉप लॉस, ये ऐसा मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो भी मतलब स्टॉक स्पेसिफिक रैली हो रहा है, वॉलिटिलिटी बहुत है, ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहिए इस मार्केट में। और गेल का सवाल, बहुत मुझे लगता है कि गेल में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ आ गया है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखने जैसा है। ओएनजीसी में मेरा व्यू अभी भी अच्छा नहीं हुआ, मुझे लगता है कि उसको अवॉइड करना चाहिए।